नमस्कार साथियों, आज बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छे होम्योपैथिक सिरप के बारे में, जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको भूख बहुत कम लग रही हो, खाना ठीक तरीके से ना पच पाता हो, कब्ज की समस्या बनी रहती हो या फिर गैस बहुत ज्यादा बनती हो, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ जोंडेला होम्योपैथिक सिरप के बारे में, कब कब इसका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे सिरप को आपको लेना है इसके बारे में भी जानेंगे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप, BHMS और हेनेमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जोंडेला के पहले लक्षण की तरफ बढ़े, सबसे पहले तो जोंडेला फोर्टे सिरप और जोंडेला सिरप एक ही बात है, जो कि डॉक्टर वैगनली का प्रोडक्ट है। तो इसका पहले लक्षण की तरफ बढ़े तो इसमें भूख बहुत कम लगती है पेशेंट को, जब पेशेंट की लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट में घबराहट हो सकती है, यानी कि नर्वसनेस हो सकती है, या फिर पेशेंट को कोई चिंता या फिर दुख बना रहता है, या फिर कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है बहुत ज्यादा, या फिर अन्य कारण भी हो सकते हैं यहाँ पर, यही सिर्फ कारण नहीं है भूख ना लगने के, तो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे में इसका इस्तेमाल किया जाता है डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, यानी कि हाजमे की आपकी कमजोरी बनी रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें IBS हो सकते हैं, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, जो कि एक बीमारी है, और क्रोन्स डिजीज हो सकता है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपका खाना ठीक तरीके से ना पच पा रहा हो, या फिर अन्य कारण भी यहाँ पर हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका खाना ठीक तरीके से ना पच पा रहा हो, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब पेट में बहुत ज्यादा गैस बनी रहती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। कब्ज की समस्या अगर बनी रहती है तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और लिवर से संबंधित डिसऑर्डर है अगर किसी को, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मेनली एक लिवर प्रोटेक्टर है, यानी हमारे लिवर को ये संरक्षक के तौर पर कार्य करता है, यानी कि उसको किसी भी बीमारी से बचाता है, और एक हाजमा टोनर की तरह वर्क करता है, यानी कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को भी बढ़िया करता है। बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन को मिलाकर के ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जैसे कि कार्डुअस, चेलिडोनियम, चियोनेंथस और अन्य मेडिसिन भी अवेलेबल है, जिसका मेन सेंटर ऑफ एक्शन है हमारे डाइजेशन पर और हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने पे। अब अंदर से देखें, इस तरीके की बॉटल आपको इसके अंदर से मिल जाएगी, काफी दिन ये आपकी चल जाएगी। जो जो मैंने लक्षण बताए अगर आपके मैच हो रहे हैं तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप को लेने के साथ साथ आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको डाइट में ज्यादा मिर्च मसालों का सेवन नहीं करना है, ज्यादा फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है, इनको अपनी डाइट से हटा देना है। दूसरा, ऐसा खाना खाना है जो आपके लिए सुपाच्य हो, यानी कि आसानी से आपके पचने योग्य हो, और अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज या फिर योगा करते हैं तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स इस सिरप के साथ देखने को जरूर मिलेंगे। दो तरीके की पैकिंग में आता है ये, इसकी छोटी पैकिंग है, एक बड़ी पैकिंग में भी ये मार्केट में अवेलेबल है। अब इसको आपको कैसे लेना है इसके बारे में जानते हैं। अगर आप एडल्ट हैं तो दोपहर को और शाम को खाना खाने से पहले इसकी एक छोटी चम्मच ले सकते हैं, और अगर बच्चे हैं तो उनको बड़ों की डोज की आधी कर दें, यानी कि आधा चम्मच ही उनको दें। कुछ दिनों में आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि भूख लगने लगेगी आपको, आपका जो है हाजमा अच्छा होने लगेगा, और आपको कब्ज की समस्या भी नहीं रहेगी। अब इसके प्राइस के बारे में जाने तो जो ये छोटी पैकिंग है जिसमें 120 ml अवेलेबल है, इसका प्राइस है 120 rupees में होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा। जो बड़ी पैकिंग है वो 300 rupees पे अवेलेबल है, जो कि 450 ml में अवेलेबल होती है। अगर आपको लंबे समय तक उसको यूज करना है और काफी पुरानी बीमारी आपको चल रही है तो उसको भी आप ले सकते हैं, उसमें काफी ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, थैंक यू।